हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में आप लोग इंटरनेशनल कोर्ट और शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईसीजे बोलते हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक ऐसा न्यायालय जो दुनिया के सभी देशों के बीच में कोर्ट का काम करता है। जब कोई दो देशों के बीच में झगड़ा हो या दो से ज्यादा देशों के बीच में किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट हो, तो उन सब के जो झगड़े हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो आमतौर पर इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं। क्योंकि जैसा आप देखते हैं कि दुनिया के सारे देशों के अपने अपने कोर्ट हैं, तो एक देश किसी दूसरे के कोर्ट में तो जाएगा नहीं। इसलिए सभी देशों ने अपने आपसी झगड़ों का निपटारा करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना की हुई है। और ये इंटरनेशनल कोर्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसका प्रोसेस है, कितने इसमें जज होते हैं, भारत का इसमें क्या रोल है, कैसे मामले इसमें जाते हैं और कैसे निपटारा होता है, इन तमाम चीजों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कभी कभी अगर आप बहुत ज्यादा समय बाद वीडियो को देखेंगे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाटा चेंज हो, लेकिन बाकी सारी चीजें जरूरी हैं। और हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप लोगों को यहां पर से क्वेश्चन दिखते ही दिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो के मेन पार्ट को। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों देश पे होता है, वो ये होता है कि इसकी स्थापना कब हुई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई। जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए हमें कुछ संस्थाओं की जरूरत थी। क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया 20वीं सदी में, आधी 20वीं सदी होने से पहले ही दो वर्ल्ड वार लड़ चुकी थी। और दोनों वर्ल्ड वार के बाद ये फैसला किया गया कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए कोई ना कोई ऐसा संगठन या ऐसी बॉडी जरूर हो जो दुनिया के देशों को लड़ने से बचा सके। और उसी की पहल में हमने यूएनओ बनाया, और यूएनओ के अंडर ही हमने इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना की, ताकि यह न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जो दुनिया के देशों के आपसी झगड़ों का निपटारा करता है, दोषियों को सजा देता है, और जो इसमें पहल करता है उसको ये शाबाशी और तारीफ के रूप में उसको बधाई भी देता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 3 अप्रैल 1946 को बनाया गया इसे। इसका अगर डे पूछते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट डे पूछते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 3 अप्रैल। ईयर आपका 46 रहेगा। मुख्यालय यानी हेड ऑफिस दोस्तों इसका नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। इसे द हेग भी कहते हैं। नीदरलैंड एक कंट्री है, इसकी कैपिटल है द हेग, और यहीं पे इसका हेड ऑफिस है। 90% बार बार क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको और ज्यादा ध्यान रखना है। आइए आगे। इसके संविधान में 5 चैप्टर हैं, यानी 5 चैप्टर 5 अध्याय हैं, और 70 अनुच्छेद यानी 70 आर्टिकल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीजे में 5 चैप्टर्स एंड 70 आर्टिकल्स हैं। न्यायालय की सरकारी भाषाएं यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ द कोर्ट अंग्रेजी हैं और फ्रेंच हैं। दो ही भाषाओं में इसमें कामकाज होता है, एक अंग्रेजी में और एक फ्रेंच में, यानी इंग्लिश एंड फ्रेंच ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। न्यायाधीश, न्यायाधीशों के बिना किसी कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं मानी जा सकती। न्यायाधीश ही वो कर्मचारी, वो पिलर्स होते हैं जो किसी कोर्ट को संभाल के रखते हैं। जैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 है, वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट में जजों की संख्या 15 होती है। यानी आईसीजे में टोटल जज अगर पूछा जाता है तो हमारा आंसर 15 होगा। प्रत्येक जज का कार्यकाल, ये ध्यान रहे दोस्तों, ये एक अलग ही कार्यकाल है। प्रत्येक जज का कार्यकाल आईसीजे में 9 साल का होता है। यानी एक जज जब ज्वाइन कर लेता है और वो ठीक ठाक सब रहे तो 9 साल तक वो इस पद पर काम करता है। लेकिन 9 साल के लिए आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भंग नहीं किया जा सकता कभी। तो इसलिए सारे जजों को एक साथ चुनना और सबको एक साथ हटाना यहाँ पॉसिबल नहीं है। हमारी राज्यसभा की तरह ये हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा अपने कार्यकाल में रहता है। तो जैसे हमने राज्यसभा में हर 2 साल के बाद 1/3 यानी 33% सदस्यों को रिटायर करके उनको चुनना होता है, वैसे ही यहाँ भी यही व्यवस्था है। जो टोटल 15 जज है, उनमें से 5 जजों को हर 3 साल में रिटायर कर दिया जाता है,
और उनकी जगह 5 नए, अगले 3 साल में दूसरे 500 को रिटायर कर दिया जाता है और उनकी जगह नए, अगले 3 साल बाद फिर अगले 500 को और उसकी जगह नए, यानी हर 3 साल के बाद यहाँ 5 जज रिटायर होते हैं और उनकी जगह 5 नए आते हैं। जिनको 9 साल होते जाते हैं वो रिटायर, उनकी जगह 5 नए, फिर अगले 5 रिटायर, फिर उनकी जगह 5 नए, इस तरीके से व्यवस्था है। जैसे आप अगर इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं, 2010 में 5 जज नए आए, 2013 की बात करेंगे तो ये फिर 5 और नए आएंगे, 16 में देखेंगे तो फिर 5 नए, 19 में जाएंगे तो 5 हमें और चाहिए बट हमारे पास तो जज पूरे हैं, तो इसलिए इनका कार्यकाल पूरा हो गया और यहाँ पे 5 नए आ जाएंगे 19 में। फिर अगर 22 में देखेंगे तो 13 वाले का कार्यकाल पूरा हो गया, इनको रिटायर करके इनकी जगह 5 नए, और अगर 25 में देखेंगे तो 16 वाले का कार्यकाल पूरा, इन्हें रिटायर होकर के इनकी जगह 5 नए, इस तरीके से इनको चुना जाता है। उसके बाद है जजों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। दोस्तों जजेज जो है 15 के 15 आईसीजे के जो जज है वो अपने में से एक प्रेसिडेंट चुनते हैं यानी अपना अध्यक्ष चुनते हैं और एक अपना वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष चुनते हैं। अब आज के समय इन जजों में जो अध्यक्ष है वो है अब्दुल कावी यूसुफ। अब्दुल कावी यूसुफ इज द चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे जो सोमालिया के रहने वाले हैं। नाम ध्यान रखे दोस्तों, नाम भी देखना आपने और कंट्री भी देखना है। उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट जियो हानकिन है। जियो हानकिन चाइना के रहने वाले हैं, नाम से भी आपको लगभग अंदाजा लग रहा है। इंडियंस इन इंटरनेशनल कोर्ट, कई बार पूछते हैं कि भारतीय जज अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कौन कौन रहे हैं, अभी कौन है, क्या कोई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी वहां बना है। पहला ही क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत के एकमात्र अध्यक्ष जज। एक चीज और बता देता हूं, यही एक ऐसा जज था जो इंटरनेशनल कोर्ट में हमारा अध्यक्ष भी बना और उपाध्यक्ष भी बना, यानी प्रेसिडेंट भी था और वाइस प्रेसिडेंट भी ये बना था। नाम आपने सोच लिया होगा, चलो आपके नाम के सोचे हुए को मैं क्लियर कर देता हूं। नाम है दोस्तों नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह एकमात्र भारतीय जज थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेसिडेंट भी रहे और वाइस प्रेसिडेंट भी, यानी उपाध्यक्ष भी रहे और अध्यक्ष भी। नागेंद्र सिंह हमारे देश के एक बहुत ही बड़े विद्वान थे जो आईसीजे में जज बने और चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पद तक गए। इनका जो कार्यकाल है प्रेसिडेंट का यानी अध्यक्ष का जो कार्यकाल है दोस्तों वो है इनका 1985 से 1988, 1985 से 88 तक ये आईसीजे के अध्यक्ष रहे। और अगर उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो इनका जो उपाध्यक्ष का कार्यकाल है वो 1975 से 1978 तक, ये इनका ये कार्यकाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्तमान में एकमात्र भारतीय जज, यानी अभी कौन सा भारतीय जज है जो आईसीजे में कार्यरत है या आईसीजे में जज की पोस्ट पर है। नाम आपने सोचा, आओ उसको क्लियर करते हैं। दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी एकमात्र भारतीय जज हैं जो अभी आईसीजे में कार्यरत हैं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय जज अभी वर्तमान में हैं, जिनका कार्यकाल वैसे ही सबकी तरह 9 साल का है। तो 2012 में इनको चुना गया और 2021 तक इनका कार्यकाल रहेगा, यानी 2012 से 2021 तक। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने इस टॉपिक से हर क्वेश्चन को आज यहाँ डिस्कस किया है, ताकि किसी भी टाइप का एग्जाम आपको देना हो, चाहे लॉ का देना हो, क्लैट देना हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, हर टाइप के क्वेश्चन में यहाँ जिक्र होता है। याद रहे दोस्तों, हमारे देश के कई मुकदमे वहां चलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच का इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौते का मामला वहां चल रहा है। हमारे देश का एक नेवी ऑफिसर जिसे पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था, कुलभूषण जाधव, उसकी फांसी की रोक भी यहीं पर लगी थी। इंटरनेशनल कोर्ट ने ही पाकिस्तान को कहा था कि आप कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकते, और वहां पे उसका मुकदमा लड़ने वाला भारत का दिलेर वकील था हरीश सालवे, जिसने 1 रुपए की फीस लेकर के वहां पे मुकदमा लड़ा था, और मुकदमा ही नहीं लड़ा, आईसीजे में साबित करने में कामयाब रहा भारत उसकी तरफ से कि हमने गलती नहीं की है, पाकिस्तान जानबूझकर आपसी दुश्मनी लेकर के इस व्यक्ति को फांसी देना चाहता है। तो इस टाइप के सारे ही मुकदमे, इंटरनेशनल मामले वहां पे चलते हैं,
तो उसके आधार पर हमने इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर कोई कमी रही हो, या आपको कुछ और वीडियो चाहिए या आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली वीडियो तक फिर हम दोबारा मिलते हैं।